दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पेट्रोल, डीजल, फलों और सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि असल में इनमें से किसी भी चीज़ के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके रुपए की वैल्यू लूज़ हो रही है। दोस्तों, 1950 में हमारे एक रुपये की कीमत एक डॉलर के बराबर थी, लेकिन आज एक डॉलर की कीमत 80 रुपये से ज़्यादा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे रुपये की वैल्यू कितनी ज़्यादा नीचे गिरी है। अगर हमारे रुपये की वैल्यू इसी तरीके से नीचे गिरती रहेगी तो चीज़ों के रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे और हम इसे रोक भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपकी जेब में जो पैसे हैं, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, या आपके घर की तिजोरियों में जो पैसे हैं, उन पैसों की वैल्यू हर सेकंड लूज हो रही है। लेकिन अब आप बोलेंगे, अगर हमारे पास 100 रुपये का नोट है तो वो 99 रुपये का थोड़ी हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1950 में 1 रुपये से इतने ज़्यादा लड्डू आ जाते थे कि पूरा परिवार उन्हें खा सकता था, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लड्डू तो दूर की बात है, 1 रुपये से एक लड्डू भी नहीं आता। इसका सीधा सा मतलब है, आप जिन चीज़ों को आज की डेट में जिस प्राइस पर खरीद रहे हैं, आगे आप उन्हें उतने ही प्राइस पर नहीं खरीद सकते। अगर यहाँ तक आते आते आपकी आँखें थोड़ी सी खुल चुकी हैं तो आगे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। आप में से ज़्यादातर लोग अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते होंगे। सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 4% की ब्याज मिलती है, लेकिन ब्याज आपको इन्फ्लेशन से कम ही मिलती है, क्योंकि महंगाई आज के टाइम में 8 से 9% के हिसाब से बढ़ रही है और आपको ब्याज सिर्फ 3 से 4% की ही मिलती है। यहाँ पर भी आपके पैसे की वैल्यू 5 से 6% कम हो रही है। दोस्तों, हम महंगाई को बढ़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन अपने पैसे की वैल्यू लूज होने से बचा सकते हैं। पैसे की वैल्यू लूज होने से बचाने के लिए आपको अपने पैसे को गोल्ड, सिल्वर या स्टॉक्स जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गोल्ड या सिल्वर का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्हें खरीद कर अपने घर में रखना है, आप इन्हें ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को एसिड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू घटने की बजाय बढ़ेगी, और अगर आप ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पैसे कितने टाइम में मल्टीप्लाई होंगे तो आप रूल ऑफ 72 का यूज़ कर सकते हैं। रूल ऑफ 72 में आपको 72 को जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आरओआई मिल रहा है उसको डिवाइड कर देना है। जैसे अगर आज के टाइम में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें 12% का आरओआई मिलता है, इसका सीधा सा मतलब है अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 साल में हमारा पैसा डबल होगा, लेकिन अगर हमें 12% की रिटर्न मिलती है तो सिर्फ 3 साल में हमारा पैसा डबल होगा। अब अगर आपने इतना कुछ सीख लिया है तो आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपको डिसाइड करना है। मैं अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मुझे 20% से ज़्यादा की रिटर्न्स मिलती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ग्रो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप अपना